हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा पावर टिल का बारीकी से आज हम अध्ययन करने वाले हैं और मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कौन सा पार्ट कितना mm का, कौन सा कहाँ कैसा लगेगा। तो आप भी एक मिनी पावर टिलर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप मैं मेरी तरफ से जितना आप मैं इंफॉर्मेशन दे सकूँ देना, मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैं आपको कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो ये पुली देख रहे हैं ये पावर टिलर का जो पुली होता है, तो ये बहुत से भाई लोग इसमें ये जो पुली है ये पुली कोई 14 इंच का यूज करता है। और कोई ये पुली 18 इंच का भी यूज करता है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, जो 14 इंच में यूज करेंगे तो इंजन का RPM ज़्यादा रहेगा और हमारा ये जो पावर टिलर है ये ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। तो 18 इंच का भी यूज करेंगे आप तो काफ़ी कम लगेगा। ये 18 इंच पुली यूज करेंगे तो आपको ये जो 18 इंच का पुली है ये यूज करने से इसका RPM काफ़ी लो हो जाता है 14 इंच से। ये 18 इंच का भी यूज करते हैं, 14 इंच में ज़्यादा फास्ट स्पीड पकड़ लेता है। तो ये 18 इंच का पुली ले लिया तो ये 14 इंच का भी ले सकते हैं। और इसमें हमारा लेथ मशीन कवर का आता है हमारे 9 जगह आता है। ये 200 रुपये पॉइंट के हिसाब से लेते हैं जो इसमें बेरिंग आती हैं। तो एक बेरिंग की जगह एक हमारा बेरिंग के पास आता है लेथ मशीन का वर्क, और एक बीच में हम जो गियर बिठाते हैं इसके पास आता है 2, और एक तीसरी जगह आता है इस जगह पर। तो ये 3 लेथ मशीन का हो गया। अभी यह बीच में गियर की बॉल बेरिंग आती साइड से, 2 बॉल बेरिंग और यहाँ। तो इसी तरह हमारा टोटल 9 जगह लेथ का वर्क होता है, लेथ वर्क 9 जगह होता है। और तो ये जो पुली देख रहे हैं, ये जो आप गियर देख रहे हैं ये 12 दांतों का है, 12 टीथ का है। तो इसके नीचे का जो आता है वो कोई 36 का यूज करता है, 36 का या 40 का यूज कर सकते हैं इसमें, जिसका उसका बनाने का फॉर्मुलेशन गियर सिस्टम का अलग होता है, कोई 40 यूज करता है। और उसके नीचे का और एक छोटा पूरा टोटल गियर, एक छोटा गियर उससे बड़ा गियर, इस तरह ये अटैच होता है। इससे यहाँ एक छोटा गियर होके इससे और बड़े गियर पे जाता है। तो ये 12 टीथ का ले लेते हम, ये 12 टीथ का गियर है। और ये जो लेते हैं ये 36 का कोई 40 का लेता है, ये 40 दांत का भी ले सकते हैं आप, ये चेंज पॉकेट गियर या 40 का भी ले सकते हो, ये चेंज पॉकेट गियर। और इसके बाद में ये जो है नीचे का ये 44 टीथ का लिया है हमने, ये जो नीचे का गियर आएगा आपके पहियों के पास का, ये चेंज पॉकेट गियर ये 44 टीथ का है। तो ये 44 टीथ का हो जाने के बाद में आप इसमें पुली ये जो है ये 14 इंच ले सकते हैं या 18 इंच ले सकते हैं,
14 या 18 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कोई 14 लिया तो ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होगा, 18 लिया तो कम फॉरवर्ड होगा। और ये जो इसका लेंथ है ये चाक का, ये हमने इसमें मोटरसाइकिल का बाइक का चाक लगाया तो इसका लेंथ हमें मिला है 24 इंच यानी 2 फीट। ये 2 फीट का हमने इसका पहिया लिया है। और ये इंजन है 5 HP ऑब्लिक, आप 4 HP का भी ले सकते हैं, ऑब्लिक 4.5 HP का भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा इंजन ख़रीदना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। और इसकी जो लेंथ है ये नीचे की चैनल की ये 15 इंच है इसकी। और ये जो ये लेंथ है ये आप 9 इंच भी ले सकते हैं या 8.5 भी ले सकते हैं। तो इसी तरह इसमें आप वर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो बेरिंग यूज कर रहे हैं इसे ब्लॉक बेरिंग बोलते हैं। ये ब्लॉक बेरिंग आपको टोटल 6 चाहिए, 6 ब्लॉक बेरिंग चाहिए। और ये बेरिंग का नंबर UCP 205 25 mm UCP 205 25 mm, तो ये 25 mm का आ जाता है। AVPC 205 25 mm का है। तो ये बेरिंग आप इसमें कोई 2270 2250 2220 इसमें यूज करते हैं, ये जिसका उसका अलग फॉर्मूलेशन है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप ये साइकिल का हमारा एक्सल है, ये साइकिल का एक्सल लिया है। ये ऊपर टाइट होने पर हमारा इससे जो इंजन का पुली बेल्ट आता है ये घूमता है। तो ये हमारा हो गया 12 का टीथ, ये हो गया हम 40 का या 36 का ले सकते हैं। और इसके नीचे का जो बड़ा गियर आएगा वो हम 44 का लेंगे। और ये जो दिख रहा है ये भी 12 का गियर है। तो इसी तरह ये लेथ वर्क होता है। तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो कोई आपको दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।